दोस्तों नमस्कार, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम रेसिपी बनाने की शुरू करते हैं। आज खीरा का हम कोफ्ता बनाएंगे। आप लोग हमारा वीडियो बना रहिएगा। देखिए कितना हरा भरा खीरा है। हमारा वीडियो आप लोग शुरू से लगन तक बना रहिएगा। कोफ्ता बनाने के सबसे आसान तरीका है, हम कोफ्ता बनाने शुरू करते हैं। अब देखिए हम कढ़ाई में पैन डाल देते हैं। केरा को धो लेते हैं बढ़िया से। केरा धो के हम केरा पानी में डाल देते हैं। केरा को बढ़िया से उबाल लेंगे। केला को ढक देते हैं। कोफ्ता में डालने के लिए मसाला जीरा गोल के हो गया, लहसुन हो गया, आया सूखा मिर्चा, लाल मिर्चा हो गया, एक मिर्चा डालेंगे। आप चाहे जितना तीखा खाना बेसी डाल सकते हैं। अब इसको हम पीस लेते हैं, मसाला पीस लेते हैं। हम केला उबाल लिए हैं। केला देखिए पक गया है। केला निकाल लेते हैं। केला थाली में बढ़िया से निकाल लेते हैं। केला हम छील लेते हैं। केला बढ़िया उबला गया है। देखिए भीतर में सदा सदा है, ऊपर काला हो गया है। सही सब केला हम छील लेंगे। बढ़िया पक गया है। देखिए कोफ्ता में डालने के लिए एक प्याज ले लिए हैं। प्याज के महीने काट लेते हैं। हरा मिर्चा लिए हैं। हरा मिर्चा भी मही काट लेते हैं। मिर्चा भी काट लिए हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्चा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा गोल की, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। सबके बढ़िया से हम चुकुट लेते हैं। देखिए हम इसमें थोड़े बेसन मिला देते हैं। बेसन मिला के बढ़िया से हम इसको सानेंगे। बेसन मिला देने से जितना केला में पानी होगा वो सब टान लेता है। देखिए हम बढ़िया से मिला लिए बेसन और इसमें थोड़ा रिफाइंड तेल मिला लेते हैं। देखिए रिफाइंड तेल मिला देने से लोइया बनाने में आसान रहता है। देखिए रिफाइंड तेल मिला दिए, चूल्हा पर कढ़ाई रख दिए। चूल्हे कढ़ाई में हम रिफाइंड तेल डाल देते हैं। देखिए हम छोटा छोटा, देखिए इतना बड़ा बड़ा हम कोफ्ता बना लेंगे। इसे बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं हम। तेल गर्म हो गया और तेल में हम कोफ्ते डाल देते हैं। हल्का हल्का ताप हम बनाएंगे। आस्ते आस्ते पकेगा। देखिए लाल लाल हो गया और हम निकाल लेते हैं।
कितना मेरा लाल हो गया जो बाकी सब डाल देते हैं। देखिए बन के तैयार हो गया सब, कितना मेरा लाल हो गया है और हम निकाल लेते हैं। अब फोरन के लिए सरसों तेल डाल देते हैं, दो तेजपात डाल देते हैं, और ये दो प्याज काटनी है और प्याज डाल देते हैं। अब बढ़िया से प्याज हम लाल कर लेंगे। तो ये हम मसाला डाल देते हैं, प्याज लाल हो गया बढ़िया से, और मसाला जो पीसे से मसाला डाल देते हैं। बढ़िया से मिलाएंगे और भून लेंगे। नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, नमक डाल के बढ़िया से हम भून लेंगे। देखिए मसाला तो यहाँ लाल हो गया और हम पानी डाल देते हैं, मसाला भी तेल छोड़ने लगा, पानी थोड़ा डाल लेते हैं। अब मसाला खोलाएंगे। देखिए मसाला खोल गया कितना बढ़िया। अब इसमें कोफ्ता हम डाल लेते हैं। इसको बढ़िया से चलाएंगे। कितना बढ़िया आस्ते आस्ते पानी टानेगा, ये मसाला टान लेगा। अब ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया, उघाड़ लेते हैं। देखिए कितना बन के तैयार हो गया, अब उतार लेते हैं, मसाला टान लिया। हम केला के कोफ्ता बना लिए, खाना काट लिए हैं। आज हम बनाए हैं खिचड़ी, केला कोफ्ता बनाए हैं, आइए खाना काट लिए हैं, अपने खाने की आइए, हम खाने को शुरू करते हैं। दोस्तों केला कोफ्ता बड़ी खूब स्वादिष्ट हुआ है, खूब बढ़िया हुआ है और खाने में खूब बढ़िया लग रहा है। दोस्तों हम केला के कोफ्ता बनाए और खूब बढ़िया खूब स्वादिष्ट हुआ है, बढ़िया लग रहा है। आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और हम जैसे बनाए वैसे आप लोग बनाइए, बनाने में आसान तरीका है, कोनो झमेला नहीं है। हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, हमारा वीडियो को आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत है। फिर हम आप लोग से अगले से मिलते हैं, तब तक लिए बाय 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 बाय।